क्या वक्त आ गया है वक्फ पर सख्ती का। और आज जब इसे टेबल किया गया संसद में, जब वक्फ बिल जो है वो टेबल किया गया तो क्या कुछ रहा। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल संसद में पेश किया गया, लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश किया गया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इस बिल को टेबल किया, पेश किया, और वक्फ संशोधन बिल में 44 ऐसे संशोधन जो किए गए हैं। नए बिल में कम होंगे वक्फ बोर्ड के अधिकार, नए बिल में खत्म होगा वक्फ बोर्ड का सेक्शन 40, जिसे लेकर विपक्ष जो है वो एक सुर में यहां पर आवाज उठाता हुआ, सवाल उठाता हुआ नजर आया। तो नए बिल में कम होंगे वक्फ बोर्ड के अधिकार, नए बिल में खत्म हो जाएगा वक्फ बोर्ड का ये सेक्शन 40, जिसे आज डीएमके सांसद कनिमोई की अगर बात करें उन्होंने भी उठाया, तो वहीं एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले की अगर बात करें तो वो भी उनका समर्थन करती हुई नजर आई। और एक सुर में जो तमाम विपक्षी पार्टी के जो सांसद दरअसल थे, जो विपक्षी सांसद थे, वो यहां पर सवाल उठाते हुए नजर आए। तो संसद में हालांकि ये बिल टेबल किया गया और किस तरह से एक के बाद एक वो सुर जो है वो यहां पर सुनाई दिए, लेकिन फिर उसे जेपीसी को भेज दिया गया। जेपीसी को भेजने की दरअसल जो मांग है वो की गई थी। तो बिल पर क्या बोले किरण रिजिजू, ये हम यहां पर आपको बताते हैं, क्योंकि बीच में कई मर्तबा इस तरह की जो स्थिति है वो पैदा हो गई थी, क्योंकि सुप्रिया सुले द्वारा ये कहा गया, वो सवाल उठा रही थी कि मीडिया में पहले आ जाता है लेकिन हमारे पास नहीं पहुंचता है, हमें पता ही नहीं होता है कि क्या डिटेल है, क्या कर रही है सरकार, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन उन्होंने वहां पर कहा, बल्कि स्पीकर ने भी उनको बीच में इंटरवीन किया उस वक्त जब वो बोल रही थी, और तब उन्होंने कहा कि ये 6 तारीख को ही सर्कुलेट हो चुका था। बिल पर क्या बोले लेकिन किरण रिजिजू, ये फटाफट से हम आपको बता देते हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं किरण रिजिजू, जिनका यह बयान इस पर सामने आया। खामियों को दूर करने के लिए इस बिल को लेकर आए हैं। बिल से संविधान का किसी तरह का कोई उल्लंघन नहीं होगा, यह बिल न्याय के लिए लाया गया है, अन्याय के लिए नहीं। बिल के प्रावधान से किसी के धर्म में किसी तरह की कोई दखल नहीं होगी। वक्फ बोर्ड पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है, बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों की दुआएं मिलेंगी। वक्फ बिल पहली बार पेश नहीं हो रहा है, ये किरण रिजिजू ने कहा। जिन्हें हक नहीं मिला है उन्हें हक देने की बात की जा रही है इस बिल में, उन्हें हक दिया जाएगा इसके जरिए, बिल से किसी का हक नहीं छीना जा रहा है, ये स्पष्ट करते हैं। वक्फ बोर्ड पर माफिया का कब्जा है, ये किरण रिजिजू ने आज जब वो इस पर बात कह रहे थे, संबोधन कर रहे थे, तब उन्होंने कहा। लेकिन किस तरह का जो संग्राम है, आज जैसे ही टेबल किया जाता है, किरण रिजिजू ही इसे, अल्पसंख्यक मामले जो मंत्री हैं उन्होंने ही इस बिल को टेबल किया, और फिर उस पर किस तरह की बहस हुई ये आपको बताते हैं। बिल में जो भी प्रावधान है आर्टिकल 25 से लेकर के 20-30 तक, किसी रिलीजियस बॉडी का जो फ्रीडम है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, ना ही संविधान का किसी भी अनुच्छेद का इसमें उल्लंघन किया गया है। और इसमें हमने जो ब्रॉड बेस किया है, किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुसलमान समाज में जो पिछड़े हैं, जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला, जिसको दबा के रखा हुआ है, उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया है। 1995 का वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ये बिल्कुल असक्षम रहा है, और जिस पर्पस के लिए एक्ट लाया गया है वो पर्पस सर्व नहीं हो रहे थे, और कई गलतियां, कई खामियां इसमें पाया गया है, उसके लिए कुछ कदम उठाया गया है। मैं आज इस सदन में आपके माध्यम से खास करके कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, ये अमेंडमेंट आज सरकार इस सदन में ला रहे हैं, ये एक तरीके से आप लोगों ने जो भी कदम उठाया है, आप लोगों ने जो भी चाहा है वो आप नहीं कर पाया, वही चीज करने के लिए हम आज ये अमेंडमेंट प्रपोज किया गया। इस बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों लोगों का दुआ मिलेगा। अगर आप विरोध करोगे, चंद लोगों ने पूरा वक्फ बोर्ड को कब्जा करके रखा हुआ है, और आम मुसलमान लोगों को जो न्याय इंसाफ नहीं मिला उसको सही करने के लिए ये बिल लाया गया है। इतिहास में
बिल को कौन कौन समर्थन किया है और किसने विरोध किया है। वक्फ बोर्ड के बारे में कई लोगों ने जिक्र किया है, लेकिन प्राइवेटली इसमें भी कई ऐसा नेता है जो मुझे आके कहा है कि देश में जितना स्टेट वक्फ बोर्ड है सब माफिया लोगों ने कब्जा कर लिया है। तो इस बोर्ड पर, वक्फ बोर्ड पर किस तरह से कब्जा है माफियाओं का, ये दरअसल वो कह रहे थे। और उन्होंने कहा कि इसे आप समर्थन करिए, करोड़ों लोगों की दुआएं आपको मिलेगी और ये हक देने की बात कर रहा है जो अभी तक वंचित इससे रहे हैं। लेकिन वक्फ बिल में सुधार पर किस तरह से संग्राम देखने को मिला, वक्फ संशोधन बिल जेपीसी के पास अब भेज दिया गया। जिस तरह से बहस इस पर हुई, लोकसभा में वक्फ बिल पर लंबी बहस हुई, वक्फ बिल पर सरकार ने अपना पक्ष रखा। वक्फ बिल को लेकर जो जेडीयू और टीडीपी, जो उनकी दो सहयोगी पार्टी है एनडीए के, जो ये सहयोगी हैं एनडीए में, और इनका समर्थन यहां पर साफ तौर पर नजर आया। उन्होंने कहा कि भाई हम जेडीयू का पक्ष अपना रख रहे हैं, ललन सिंह उस वक्त बोल रहे थे, और टीडीपी ने भी इसको समर्थन किया। वक्फ संशोधन बिल पर विपक्ष लेकिन विरोध करता हुआ नजर आया, ना केवल इतना बल्कि वो टाइमिंग पर भी सवाल उठाता हुआ नजर आया। लेकिन अब आगे की क्या प्रक्रिया देखें, आइए फटाफट से हम इस पर, हमारे सहयोगी दीपेश बरगले भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि अब हम इस पर क्या देखें। लेकिन जहां सरकार इस पर बता रही थी कि भाई आप इसको समर्थन करिए, करोड़ों लोगों की दुआएं मिलेगी, और किस तरह से जो वंचित रहे, जिनका कब्जा रहा, इन तमाम चीजों को भी बताते हुए नजर आए, लेकिन विपक्ष को अपना बस वो राग अलाप रहे थे। विपक्ष ने यह कहा कि टाइमिंग भी है, छीन लिया जाएगा, केंद्र सरकार अपने अंडर ले लेगी, फिर राज्य सरकारों का क्या रह जाएगा। अब आगे क्या देखें दीपेश? देखिए बिल्कुल हिमानी, साफ तौर पर यह समझना होगा कि बिल को पेश करने के साथ की जो हंगामा हुआ उसके बाद खुद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ही ये प्रस्ताव रखा कि इस पर जेपीसी का गठन कर दिया जाए और इस बिल को उस पर जांच करने के लिए सौंप दिया जाए, वहां पर विचार विमर्श किया जाए, संसदीय समिति जो है वो बनाई जाए और उस पर फिर विचार विमर्श होगा। यानी साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि गेंद जो है वो अब विपक्ष के पाले में डाल दी गई है कि आप ही इस पर जांच कर लीजिए, आप ही इस पर विचार विमर्श कर लीजिए, और अगर जो प्रावधान हमने इस संशोधन बिल रखेंगे उसमें कहीं कोई कमी है तो फिर बताइए, उस पर फिर विस्तार से बातचीत होगी। यानी साफ तौर पर अब जो जेपीसी का गठन होगा, जेपीसी का गठन चुकी प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में यह देखने को मिलता है कि तमाम राजनीतिक दलों की भागीदारी जो है वो बराबर होती है, यानी उसमें कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता, तमाम राजनीतिक दलों का इन्वॉल्वमेंट उसमें नजर आता है। लेकिन अगर लोकसभा और राज्यसभा का जिक्र करें तो चूंकि लोकसभा की संख्या राज्यसभा से दोगुनी है, यही कारण है कि उसमें अगर 20 सदस्य लोकसभा के हैं तो 10 राज्यसभा के रहेंगे और उन 30 से 31 सदस्यों के साथ लोकसभा अध्यक्ष के जो देखरेख में ये जो जेपीसी का गठन होगा और उसके बाद फिर उसमें विचार विमर्श होगा। अब जब विचार विमर्श होगा तो उसमें तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी, जिन प्रावधानों को इस बिल में रखा गया है, जिन संशोधन का जिक्र किया जा रहा है, जिस असीमित अधिकार का जिक्र किया जा रहा है उस पर अंकुश लगाने की बात करी है, तो उन तमाम चीजों पर विचार विमर्श होगा और फिर लगभग चीजों पर विचार विमर्श होगा। और ये समझने की जरूरत है हमारे दर्शकों के लिए भी, हम बता दें कि तीसरा सबसे बड़ा बोर्ड है, अगर हम देखें तो एक रक्षा और एक रेलवे के बाद ये तीसरा सबसे बड़ा बोर्ड है।